अस्सलाम वालेकुम। निगा सबसे पहले बताएं कैसी हैं आप? मैं भी ठीक हूँ। हर जगह पे आप जैसे तारा नहीं चमकता, हर फंक्शन में आप पहुंच जाती हैं। कैसा फील कर रही हैं आज होली का मौका? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है। हर मजहब के लोग हैं, कुछ लोग आप सोचते हैं कि हमारे जो ईदें वगैरह होती है वहाँ पे इनको भी आना चाहिए, आते भी हैं? हाँ जी, सब लोग आना चाहिए। जब पाकिस्तान में है सब पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी में जो है हिंदू कम्युनिटी के साथ अच्छा नहीं किया गया, उनको होली नहीं मनाने दी गई, लड़ाई झगड़ा भी होगा, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान में ऐसा क्यों करते हैं? यानी कि वो है कि अपने फंक्शन को त्यौहार अच्छे से मनाए, उनको रोकना नहीं चाहिए, हर किसी का दिल अच्छे तरीके से मनाए। कितने साल हो गए आपको इन लोगों की पार्टीज में जाते हुए? 3 साल में आप ही शायद मोहब्बत भी देखी है, लेकिन इधर मुस्लिम कम्युनिटी भी आप लोग जी जी मोहब्बत देखिए, बहुत शुक्रिया। बहुत आप यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी के साथ प्यार पाते हैं? हर साल 2013 को शायद कोई इवेंट ऐसा हो जिसको मैंने छोड़ा हो, बाकी मैं हर इवेंट पे आता हूँ। और होली के इवेंट का तो बिल्कुल ऐसे आता हूँ, ये बदलते हुए मौसमों का और बदलते हुए दिनों का ये एक त्यौहार है, और कैसे ये सब रंग लग रहे हैं और ये सब रंग जहाँ पे जाके एक हो जाते हैं ना, तो हमारे पाकिस्तान में भी हर मजहब के सांस लेने वाले इंसान को पूरी आसानी है। पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जहाँ पे तमाम मजाहब अपनी मर्जी से जिंदगी जी रहे हैं, हर इवेंट मना रहे हैं, हर त्यौहार मना रहे हैं, और क्रिश्चियन मुस्लिम हिंदू से सब उनके त्यौहार में खुशी से जाते हैं, जिस मजहब का भी त्यौहार। आप कितने सालों से इनके साथ यहाँ पे आके प्यार पा? मैं 2013 से आ रही हूँ और मुसलसल आ रही हूँ, कोई इवेंट मेरा नहीं सुनता। जब आपकी तकरीबात होती है तो आप इन्हें भी इन्वाइट करते हैं? जी डेफिनेटली करते हैं। जब हमारे बस हो गया इस तरह इसने हमारी हिंदू कम्युनिटी से बहुत शुक्रिया। पहले कहाँ पे मनाते थे? आप इनकी मोहब्बत में आए, ये भी लोग भी आते हैं आपके? मैडम क्या नाम है? मुझे बताएं इतना तैयार शहर हो गया आज कृष्णा मंदिर आई है, तो कौन सा खास है? किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं? मुझे बताएं कि होली क्यों मनाई जाती है? होली श्री कृष्ण जी की अच्छा सभी अलग अलग विस्तार है, मतलब जिसने जो किताब पढ़ी वो उसी का सोचते हैं, उसी का करते हैं। आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, लोग तरह तरह के सवाल तरह तरह के जवाब करते हैं, हर किसी ने अपना अपना माइंड बनाया हुआ है।
ہندو کمیونٹی یہاں پہ پاکستان میں بالکل سیکور ہے، خوش ہے، سب مسلمان سب سے پیار کرتے ہیں، ہاں جی پیار کرتے ہیں۔ میری شادی کرنا 15 سال ہو گیا، 15 سال بعد مجھے کوئی اتنا پیار کرنے والا ملا، آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ نہیں نہیں مسلم ہے، لیکن وہ آپ کی محبت میں آئے ہیں یہاں پر۔ اگر وہ ہم سے پیار کریں گے تو ہم بھی ان سے پیار ہی کریں گے۔ آپ کو وہ کسی کو نا بیٹی کی نظر سے دیکھتے ہیں، آپ کو بہت پیار۔ آپ مجھے بتائیں کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، شروع سے بلانگ کرتے ہیں؟ نہیں نہیں، میرا وہی بیٹی سے ہوں، اس لیے ہمارا بہت بڑا مندر ہے، میری شادی ہو رہی ہے، میرے بیاہ جو ہے میرے گھر میں منایا۔ جیسے ہم مسلمان آتے ہیں تہوار میں، آپ بھی آئے، آپ بھی جاتے ہیں ہماری عیدوں میں؟ بالکل، ہم ایک محلے میں ادھر ہندو کرسچن اور مسلم ایک گھر، ہندو کا ایک کرسچن کا ایک مسلم کا، اور ہم لوگ دیوالی ہولی مطلب کرسچن کا، ہاں جی سب کچھ مناتے ہیں، دو عیدیں آتی ہیں وہ بھی دونوں مناتے ہیں، اور ہاں جی تہوار سب مل کے مناتے ہیں، وہ بھی نہیں ہم سے فرق کرتے، ہم بھی نہیں ان سے فرق کرتے۔ ماں جی کو مل کے کیسا لگا آپ بتائیں؟ تہوار آپ ان کی دعا میں شامل ہو گئی ہیں، آپ میں بھی آپ کو دعا میں شامل ہوں۔ تھینک یو سر۔